ऑलराइट स्टूडेंट्स right, आज हम चालू करने वाले हैं अपना रिवीजन फॉर द चैप्टर ऑफ एग्जामिशन चलिए आ जाइए एग्जामिशन का एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे हमने स्टार्ट किया था सीखना जीएसटी गुड्स और सर्विस से सर गुड्स एंड सर्विस जब भी सप्लाई होगा सर सप्लाई या तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो सर आई जीएसटी लेवी होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सी जी एस टी गया तो सर टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन अब सुनिए ये होता है लेवी और यहां होता है कलेक्शन लेवी और कलेक्शन के बीच में गवर्नमेंट क्या करती है कभी कभी एक नोटिफिकेशन इश्यू करके एग्जाम्शन दे देती है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को तो यहां हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्शन जो दिए गए हैं बाई द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज लेकिन गुड्स का एग्जामेशन आपके एग्जाम में सी ए फाइनल में नहीं पूछे जाएंगे इसलिए हम पढ़ रहे हैं बेसिकली गुड्स का एग्जाम्शन आपका पार्ट ही नहीं है एंड हम सर्विसेज पढ़ने वाले हैं सर्विसेज का एग्जाम्स गवर्नमेंट देती है बाई यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन नंबर इलेवन ऑफ द दीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर सिक्स ऑफ द आई जी एस टी एक्ट आ जाइए पहले पहले चार्ट में सर एग्जन गवर्नमेंट ग्रांट करती है अंडर सेक्शन नंबर इलेवन एंड सेक्शन नंबर सिक्स ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में जब एग्जाम गवर्नमेंट ग्रांट करती है तो एग्जाम के लिए भी है जो एप्लीकेबल नहीं है आपके सीए फाइनल एग्जाम में लेकिन सर्विसेज का आपके लिए एप्लीकेबल है और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है बाई यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन नंबर इलेवन चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर इलेवन की बात करता है बेसिकली सेक्शन नंबर इलेवन क्या बोलते बोलता है लेवन बोलता है कि सर जब भी गवर्नमेंट चाहे अगर गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एक नोटिफिकेशन इश्यू करके एग्जाम कर सकती है कोई चीजों को जनरली कुछ गुड्स एंड सर्विस को जनरली और जब एक जनरल एग्जाम दिया जाता है तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है सर चाहे गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक एब्सोल्यूट एग्जाम्शन बना सकती है एब्सोल्यूट मतलब कोई कंडीशन नहीं है एग्जाम्सन लो मजे करो और सर या फिर कंडीशनल एग्जाम्शन हो सकता है कंडीशन फुलफिल करो तभी एग्जाम्शन मिलेगा अब ये जो एग्जाम्शन होता है ये फ्रॉम द होल ऑफ जीएसटी भी हो सकता है पूरा का पूरा जीएसटी एग्जाम कर दिया समझ लीजिए एटीन परसेंट जीएसटी है एटीन परसेंट जीएसटी पूरा एग्जाम कर दिया या फिर गवर्नमेंट चाहे तो समझ लीजिए पार्शियल एग्जामेशन भी दे सकती है समझ लीजिए गवर्नमेंट ने बोला आठ परसेंट जीएसटी दो दस परसेंट हम एग्जाम कर रहे हैं ऐसे गवर्नमेंट पार्शियल एग्जाम्सन भी दे सकती है और सर ये एग्जाम्सन होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम ए डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी उसमें गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी कब से एक्सम्स इफेक्टिव है और सर सर्विसेज का गवर्नमेंट ने दिया है विदिफिकेशन टू थाउजेंड एंड सेवन टू थाउजेंड एंड सेवनटीन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उसमें सर्विसेज को एग्जाम किया और सर आई में गवर्नमेंट ने एक एक्समशन नोटिफिकेशन इश्यू किया है नोटिफिकेशन नंबर नाइन बार टू थाउजेंड सेवेंटीन इंटीग्रेटेड टैक्स रेट और सर उसके बाद सेक्शन नंबर आता है 11, 2 एक है एक स्पेशल देता बेसिकली गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफिकेशन इश्यू करके स्पेशल ऑर्डर इश्यू कर सकती है और जब स्पेशल ऑर्डर दिया है स्पेशल केस में दिया जाता है इन एज केस और सर ये अंडर एक्सेप्शनल सरकमस्टेंस दिया जाता है और इसके चलते हुए गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम किए जाते हैं फ्रॉम जीएसटी लेकिन ये सिर्फ स्पेशल केस में दिया जाता है उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन इशू है अंडर सेक्शन नंबर एंड में जो स्पेशल दिया है अगर गवर्नमेंट कंसिडर करती है एक्सपीडियंट एक्सपीडियंट मतलब जरूरी तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकती है जस्ट टू क्लरिफाई द एग्जामेशन तो सर अगर गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्शन दिया है सर समझ लीजिए तो एगा सर क्या बोलता है इलेवन थ्री इलेवन थ्री बोलता है गवर्नमेंट को अगर जरूरी लगा तो गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन नंबर इलेवन वन या ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर इलेवन टू इश्यू कर रही है उसमें एक साल में

गवर्नमेंट ने बेसिकली जो एक एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ए और ट्वेल्व ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट होती है उसको गवर्नमेंट ने एक एग्जामशन दे रखा है तो चलिए पहले वो पढ़ते हैं गवर्नमेंट ने बोला अगर एक एनटीटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ए और ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है और सर वो कर रही है चैरिटेबल एक्टिविटी तो गवर्नमेंट ने बोला है उसकी एक्टिविटीज एक्समट होगी लेकिन ये जो चैरिटेबल एक्टिविटी है इसको गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है तो गवर्नमेंट ने बोला अगर एक एन टीटी रजिस्टर्डर ट्वेल्व ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है तो सर ये अगर चैरिटेबल एक्टिविटी करती है तो इसका जो एक्टिविटी है उस पर जीएसटी नहीं आएगा तो सर इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि हमने चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन कर रखा है और चैरिटेबल एक्टिविटी हमेशा उस चैरिटेबल एक्टिविटी को बोलेंगे जो चैरिटेबल एक्टिविटी रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ होता है सर पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पीपल सीवियरली फिजिकल मेंटली डिजेबल्ड इज ए बर्ल्ड दिस ए बर्ल्ड है एबल्ड पीपल एच आईवी और एड्स एडिक्ट, सो समझ लीजिए आप एक चैरिटेबल एक्टिविटी हो और सर, आप एक कर रहे हो टर्मिनली इल पीपल का जो बेसिकली टर्मिनली इल है जो सर गवर्नमेंट बोलती है बेसिकली जाने वाले हैं तो सर उनका अगर कोई एंटीटिटी ध्यान रख रही है और उनसे कुछ चार्जेस ले रही है तो जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है तो सर अगर केयर एंड काउंसलिंग किया जा रहा है और टर्मिनली इल पीपल सीबी हेल्थी फिजिकल मेंटली डिसेबल्ड पीपल एचआईवी और इट्स इंफेक्टेड ड्रग एडिक्ट अल्कोहल एडिक्ट तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं इनका जो केयर एंड काउंसलिंग के लिए आप चार्ज करोगे उस पे कोई जीएसटी नहीं लेना है उसके बाद अगर कोई एंटिटी है जो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस कर रही है पब्लिक अवेयरनेस किसका कर रही है ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ कि सर इन्फेक्शन होने से पहले आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए प्रिवेंट करना चाहिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सो सर प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में अगर लोगों को अवेयर कर रही है फैमिली प्लानिंग के बारे में कोई एंटिटी अवेयर कर रही है या प्रिवेंशन ऑफ एच इंफेक्शन इन्फेक्शन के बारे में कोई लोगों को एक एंटिटी अवेयर कर रही है और उसके लिए कोई चार्जेस ले रही है तो उस चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट है, है, ने बोला है योगा प्रमोशन अगर कोई कर रहा है स्पिरिचुअलिटी अगर कोई प्रमोट कर रहा है अगर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है वो एंटिटी अगर उस प्रमोशन के लिए समझ लीजिए योगा सिखाने के लिए एक एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ए है और वो लोगों को योगा क्लास योगा सिखा नहीं रही है, समझ लीजिए योगा का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है तो गवर्नमेंट ने बोला उस योगा को हम मानेंगे एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी एंड योगा एडवांसमेंट में बेसिकली आप योगा सिखाना भी ला सकते हो और एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी योगा अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रहा है विच इज Under 12 AA or AB और वो कर रही है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम दे रही है या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे रही है किसको सर दे रही है विच इज रिलेटिंग टू अबंडेंट फेन होमलेस चिल्ड्रेन जो होमलेस चिल्ड्रेन होते हैं ऑर्फेन चिल्ड्रेन होते हैं इनको अगर एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट दे रही है तो उस एक्टिविटी पे भी जीएसटी नहीं आएगा अगर एडवांसमेंट ऑफ फिजिक एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे है किसके लिए फिजिकली मेंटली अब या ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन के लिए या सर प्रिजनर्स के लिए या पर्सन ग्रेटर देन 65 इन रूरल रूरल एरिया तो सर ये जो एंटिटी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी मानते हुए इस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद अगर एक रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए है और सर वो कर रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वाटरशेड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तो उसकी एक्टिविटी पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा आपको ध्यान रखना है अगर एक एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए है और वो कर रही है चैरिटेबल एक्टिविटी जो होते हैं पापी एक्टिविटीज पापी एक्टिविटीज पी, एक्टिविटी, पी फॉर पब्लिक हेल्थ बाई वे ऑफ केयर और काउंसलिंग सर या पब्लिक अवेयरनेस अगर कर रहा है ए फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी एंड योगा पी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाटरशेड एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा अगर कोई कर रहा है तो सर उसको पी में डाल रहे हैं एंड ई फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर कोई एंटिटी कर रहा है जो रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ए और ए बी है तो उसकी एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी मानेंगे याद रखिएगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डूइंग चैरिटेबल एक्टिविटी जो पापी एक्टिविटीज है नालायक पापी बन गए

गवर्नमेंट चलाती है अगर ओल्ड एज होम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है तो उस एक्टिविटी को भी माना जाएगा, अगर चार्ज है, 12 और ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है और वो रेंट कर रही है अपना प्रीसेंट मतलब टेम्पल गुरुद्वारा वगैरह क्या कर रहे हैं अपना जो गुरुद्वारा का प्रेमसेज है या टेम्पल का है उसमें रूम या कल्याण मंडपम या फिर सर जो भी दुकान वगैरह होती है वो रेंट आउट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है चाहे वो कर रही है इनकम टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड है या कर रहा है कोई बॉडी और अथॉरिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर टेन ट्वेंटी थ्री बी बी द इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली वो क्या कर रहे हैं रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस कर रहे हैं सर मतलब मंदिर गुरुद्वारा वगैरह की जो जगह है उसमें रूम्स वगैरह रेंट आउट कर रहे हैं सर खाली ग्राउंड को रेंट आउट कर रहे हैं या बेसिकली कल्याण मंडपम के मतलब कल्याण मंडपम को रेंट आउट कर रहे हैं या शॉप्स को रेंट आउट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अगर रूम रेंट चार्ज किया है हजार रुपए तो जीएसटी आ जाएगा तो एक काम करना अगर टेम्पल में गए और रूम मांगा उन्होंने अगर हजार रुपए मांगा एक रुपए डाल देना हुई में नाइन नाइन रहेगा याद रखना हमेशा रूम रेंट अगर नाइन नाइन चार्ज करता है है तो सर एग्जाम रहेगा प्रेमाइसेस कल्याण मंडपम अगर शादी वगैरह तो करने के लिए आपने कल्याण मंडपम लिया है कल्याणम करने के लिए बेसिकली तो उन्होंने अगर नाइन 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 पर डे चार्ज किया है तो एग्जाम रहेगा शॉप्स वगैरह के लिए अगर समझ लीजिए टेंपल फूलों की दुकान के लिए किसी को दुकान देती है और उसके लिए चार्ज कर रही है नाइन पर मंथ तो भी एग्जाम रहेगा हमेशा नाइन 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 एग्जाम अगर कोई भी एक रिलीजियस सेरेमनी करा रहा है कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी बाय नीड नॉट बायन बाय टेम्पल सर कोई भी अगर रिलीजियस सेरेमनी करा रहा है पंडित जी आए पंडित जी पूजा किए सर रिलीजियस सेरेमनी पे कोई जीएसटी नहीं आता है कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी हमेशा जीएसटी से एग्जाम रहेगा उसके बाद आ जाइए सर अगर एक एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ए और ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है और सर वो दे रही है ट्रेनिंग और कोचिंग ट्रेनिंग और कोचिंग दे रही है रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स सर स्पोर्ट्स सिखा रही है एक 12 और है और वो रही है लोगों को बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह मैं सिखाने लग गया तो बेटा जीएसटी आएगा क्योंकि आप एंटिटी टी टी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नहीं हो Done सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सर अगर ट्रेनिंग और कोचिंग रिक्रेशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आ आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट बोलता है हमारे आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है अगर समझ लीजिए कोई रिक्रेशनल एक्टिविटी दे रहा है विद रेस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर तो वो हमेशा एग्जाम रहेगा चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोई भी बंदा हो बाई एनी पर्सन विल ऑलवेज बी एग्जाम उसके बाद याद रखिएगा सर समझ लीजिए एक एडिक्ट हो गया है एक, 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 एक बंदा और सर अब उसको रिहेबिलिटेशन का जरूरत है तो वो जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में अब याद रखिएगा ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं ये अपनी सर्विस देते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं ना ये कभी भी डॉक्टर नहीं होते लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है अगर रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल अपना सर्विस दे रहा है तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने बोला सर हम भी तो रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं

और एट एडेंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ए और ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट तो सर ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है इसकी सर्विसेज भी एग्जेम रहेंगी लेकिन याद रखिएगा अगर ये प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंटर इज एस्टेब्लिश द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और एट एड एटिटी रजिस्टर्ड अंडर ट्वेल्व ए ए और ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डन सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कुछ कुछ तीर्थ यात्रा जो होती है रिलीजियस पिलग्रिमेज उसको भी हम एग्जाम कर देंगे गवर्नमेंट ने बोला फॉर द हिंदूज इट इज कैलाश मानसरोवर यात्रा फॉर द मुस्लिम इट इज हज तो सर अगर कुमाऊ मंडल विकास विकास निगम लिमिटेड कुमाऊ मंडल विकास निगम लिमिटेड अगर दे रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा की कैलाश यात्रा की सर्विसेज तो सर के एम का के का वो सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा लेकिन अगर सर हज कमेटी दे रही है हज यात्रा की सर्विसेज तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा समझ लीजिए मैंने बोला मैं लेके जाता हूं लोगों को कैलाश मानसरो यात्रा पे तो सर तब जीएसटी आ जाएगा क्योंकि आपको याद रखना है गवर्नमेंट ने एग्जामेशन दिया है के अगर कैलाश मानसोरो यात्रा दे रही है या सर हज कमेटी हज यात्रा दे रही है तो ही जीएसटी एग्जाम किया गया है अब याद रखिएगा जब ये रिलीजियस रेंटिंग ऑफ ऑफिंट अगर रूम वगैरह रेंट किया जा रहा है बाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड अंडर ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है बेसिकली टेम्पल ट्रस्ट वगैरह तो सर 999 पर डे अगर चार्ज किया तो एक्समट है लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर होटल इन गेस्ट हाउस होटल इन गेस्ट हाउस अगर दे रहा है अगर होटल इन गेस्ट हाउस अगर रूम रेंट वगैरह दे रहा है तो वहां पे एग्जामेशन अपू रुपीज थाउजेंड दिया गया है मतलब नाइन 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 नहीं थाउजेंड तक एग्जामेशन दिया गया है पर डे अगर वो चार्ज करते हैं तो एग्जाम रहेगा और यहां पे ध्यान रखिएगा होटल में हॉस्टल भी इंक्लूड हो जाता है अगर हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जा रहा है टू तो स्टूडेंट तो वो भी अप टू थाउजेंड रुपीज एग्जाम रहेगा उसके बाद आ जाइए ऑन द राइट हैंड साइड सर एक सर्कुलर है जो बोलता है जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रोग्राम जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रोग्राम सर समझ लीजिए योगा के लिए आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए गए उन्होंने बोला हम योगा तो कराएंगे लेकिन साथ में खाना और रहना देंगे तो यहां पे योगा प्रिंसिपल हो गया एनहेंस खाना और रहना भी एग्जाम हो जाएगा सर यही बोला है प्राइमरी एंड प्री डॉमिनेंट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज इज एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी एंड योगा तो सर हमेशा याद रखिएगा क्योंकि प्रिंसिपल योगा स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन था रहना और खाना तो सर उसके साथ था एंड है hence... पूरा जो सप्लाई था वो एग्जाम रहेगा उसके बाद सर समझ लीजिए एक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट है उन्होंने अपना होटल खोल दिया और खाना बेचने लग गए सर समझ लीजिए उन्होंने अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड करने लग गए तो सर उस केस में कोई एग्जाम नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल अगर योगा होता है और ये सब एंसिल होता है तो एग्जाम रहता है लेकिन अगर यही प्रिंसिपल है तो सर हमेशा टैक्सेबल रहेगा उसके बाद बोला है एक्टिविटीज सच एज होल्डिंग फिटनेस कैंप क्लासेस, एरोबिक्स डांस म्यूजिक ये हमेशा टैक्सेबल रहेगा एरोबिक्स क्लास डांस क्लास वगैरह एग्जामेशन में नहीं है ये हमेशा टैक्सेबल रहेंगे डन सर पॉइंट क्लियर हो गया है ध्यान रखिएगा ये एक छोटा सा चार्ट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज इधर मैंने आपको क्या बोला चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रहा है चैरिटेबल एक्टिविटी पापी एक्टिविटी एक्जाम रहेगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओल्ड एज होम वगैरह चला रहा है ट्वेंटी तक चार्ज कर रहा है फ्रॉम रेजिडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटी ईयर तो एग्जाम रहेगा सर अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट ऑथोरिटी बोर्ड अगर समझ लीजिए क्या कर रहा है सर रूम रेंट वगैरह दे रहा है सर नाइन 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 और सर मतलब कल्याण मंडम दे रहा है या शॉप्स वगैरह दे रहा है तो नाइन 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 पर मंथ और पर डे एग्जाम रहेगा उसके बाद ट्रेनिंग और कोचिंग अगर दे रहा है एंट्री रजिस्टर्ड अंडर 12 ए ए और ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सो जो सर तेर... ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स तो भी रहेगा एक्जामिटेशन प्रोफेशनल का रहेगा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेडिकल सर्विसमेंट रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट एंड एट एन इज एच रजिस्टर्डर ट्वेल्व ए द इनकम टैक्स एक्ट हज यात्रा और कैलाश मनसोर यात्रा अगर के एम बी एन एल और हज कमेटी देता है तो एक्सम रहेगा यहां मैं अपना रिविजन क्विक रिविजन विद रेस्पेक्ट टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज क्लोज करता हूं Congratulations everyone!